दिखाते हैं कैसे बने हैं, बिल्कुल ही अंदर से सॉफ्ट। ये देखें बहुत ही मजे के, आपको खा कर बताते हैं कैसे बने हैं। बहुत ही मजे के क्रिस्पी से ड्रमस्टिक, आप जरूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जायके की दुनिया जायकेदार किचन में आपको कहते हैं वो शामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ड्रमस्टिक, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं, जो आप बाजारों से लेके रोस्ट वगैरह खाते हैं, ये उससे भी बढ़ के बनते हैं। तो आप घर पे बनाएं, बच्चों को दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं ड्रमस्टिक्स, इसकी मैंने स्किन भी उतारी है, देखें स्किन के साथ है, इस तरह से बहुत क्रिस्पी बनता है। इसमें डालेंगे सिरका, थोड़ा सा सिरका, क्योंकि जो इसमें अंदर खून वगैरह होता है ना, तो वो बिल्कुल सिरके के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक, देखिए नमक डाल दिए। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें, ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखें ये बिल्कुल इसका खून वगैरह ख़त्म हो जाएगा ऐसे। तो ये देखें मैंने रिमूव करके इसको वॉश कर लिया है, जो मैंने सिरके में भिगोया था वो मैंने रिमूव किया है और इसको पानी के साथ वॉश कर लिया है। तो ये देखें बिल्कुल वाइट वाइट हो गया है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है मेरे पास 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। मैंने कोई मतलब आपके सामने मैरिनेट कर रही हूँ, मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल मसाले वगैरह यूज़ नहीं किए, सारे घर के मसालों से मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो 1/2 चम्मच, आधे से भी थोड़ा चम्मच मेरे पास है काली मिर्च, 1 चम्मच भर के मेरे पास है ज़ीरा और धनिया, ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है, 1/2 टीस्पून मेरे पास है गर्म मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तकरीबन 1 पिंच के बराबर मेरे पास है पेपरिका पाउडर, और 1 पिंच के बराबर ही मेरे पास है फूड कलर, मैंने रेड फूड कलर लिया है। इसके साथ मेरे पास है लेमन, ये मैंने 1 लेमन उसका ये जूस निकाल लिया है। ये है मेरे पास अंडा, मैंने इसको बिल्कुल फेंट लिया है, ये हाफ इसमें जाएगा, ये पूरा अंडा मैंने फेंट लिया था, तो ये देखें हाफ इसमें चला गया। तो अभी 1 चम्मच भर के मेरे पास है मैदा, ये इसमें चला गया। अब इन सबको करते हैं मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखें ये बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है, जो मैंने आपके सामने मसाले डाले हैं वो मैंने डाल के सारा मिक्स हो चुका है, ये सारा मिक्सचर। तो अब हम इसको मैरिनेट करते हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, तो फिर इसको फ्राई करेंगे। तो अभी हम अपना जो मैंने मैरिनेट किया था इसको हम अच्छे से मिक्स करके, अभी मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें डालते हैं, बिल्कुल आपने अच्छे से इस तरह करके इसको डाल देना है, बिल्कुल स्लो पे। इस तरह से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है आपने, ताकि अंदर से बिल्कुल पक जाए। तो हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, बिल्कुल स्लो आंच पे आपने कर दिया है, तो ये बाप में आके बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। तो ये देखिए अंदर से कुक हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से आपने इसकी साइडें चेंज करते जाना है, जब तक ये कुक ना हो जाए, अंदर से आपने इसको बिल्कुल अच्छे से गलाना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्लो आंच पे आपने इसको करना है और ऊपर से ढक्कन दे देना है इसके ऊपर। बिल्कुल जैसे आप बाजार से रोस्ट कह देते हैं लेके खाते हैं वैसा बनता है, इस तरह से। फिर इसके ऊपर तक कम दे देंगे। अभी
देखते हैं इसको, आप इसको चेक कर सकते हैं, देखें बिल्कुल अंदर से रेडी है। इसने तकरीबन 15 से 20 मिनट लिए हैं। मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको रखा हुआ था और एकदम क्रिस्पी बन गया है, देखें। अभी इसको निकालते हैं, तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार से रेसिपी, मज़ेदार से क्रिस्पी से ड्रम स्टिक। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपके ये ड्रम स्टिक्स कैसे बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट बहुत अच्छी रेसिपी के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।